Good morning, students. This class for 6th class. Today is your computer class. Chapter number 5, that is table and MSWord. So हमने chapter number 5 पढ़ा था पहले भी कि last class में कि हम MS Word के अंदर tables को कैसे create करते हैं. उसमें हमने कुछ steps सीखे थे कि tables क्या होता है, rows and columns के through वो बनते हैं, वो किस तरीके से insert करे जाते हैं in the MS Word. तो आज हम सीखेंगे कि हम उसमें कैसे entering कर सकते हैं, delete कैसे कर सकते हैं, उसको size कैसे बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें. तो स्टार्ट करेंगे हम. पहला है एंट्रिंग टेक्स्ट इन द टेबल, यानी कि हम टेबल के अंदर कैसे लिख सकते हैं. स्टेप फर्स्ट है क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट टू टाइप डाटा. आप अपने सेल के सेल, आपको पता होगा जिससे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ये जो हमारे होते हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं और ये हमारी जो लाइन्स होती है हॉरिजॉन्टल लाइन्स, इसको हम कहते हैं रो. और जब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं एक बॉक्स जिसे हम सेल कहते हैं. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको इस सेल में कोई भी सेल जहाँ पर आपको टेबल मतलब क्रिएट करना है, जहाँ पर आपको लिखना है, उस सेल टेबल के सेल के अंदर आप क्लिक करेंगे. आप ब्लिंकिंग कर्सर विल अपीयर इन, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक ब्लिंकिंग कर्सर कर्सर इस तरीके का आएगा जो आपका ब्लिंक कर रहा होगा वो आपको अपीयर हो जाएगा. स्टेप टू है टाइप द इंफॉर्मेशन फॉर दैट सेल यूजिंग कीबोर्ड. और कीबोर्ड की हेल्प से हमें क्या करना है, जो आपने सेल सेलेक्ट करा है उसमें टाइप करना है जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट स्टेप है क्लिक इन द सेल टू गेट द कर्सर इन द न्यू सेल और यूज एरो की. अब हमें अगर इस जैसे मान लीजिए जिसे आपने शो कर रखा है कि इस सेल पे हमने टाइप करना स्टार्ट करा है और हमें नेक्स्ट सेल पे जाना है, या तो हम अपने विद द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर हम उसमें क्लिक करेंगे जहाँ भी हमें क्लिक करना है, या फिर हमारे आपको पता होगा कीबोर्ड में एरो की होती है, कौन सी होती है, इस तरीके से हमारी चार एरो की होती है, इनकी हेल्प से भी हम अपने माउस पॉइंटर को जो हमारा इंसर्शन पॉइंट है उसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंसर्टिंग रो एंड कॉलम इन द टेबल. मान लीजिए जैसे मैंने आपको ये शो कर रखा है यहाँ पर, तो अगर आप बात करते हैं कि इसमें हमारे कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, हमने यहाँ पर 1 2 3 3 कॉलम है हमारे और 1 2 3 3 ही रोज है, यानी कि 1 2 3 3 कॉलम, यहाँ से 1 2 3 3 रोज. अगर हमें ऐड करना है इसमें कॉलम या फिर रो तो हम कैसे करेंगे. सबसे पहला है टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम, कि हमें नया कॉलम इंसर्ट करना है. कॉलम यानी कि यहाँ पे जो 3 है वो 4 करना है, 4 कॉलम बनाने हैं. स्टेप फर्स्ट है इसका सेलेक्ट द कॉलम इन द टेबल. आप टेबल के अंदर कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे. हियर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम बाय क्लिकिंग एट द टॉप बॉर्डर ऑफ दैट कॉलम. कि आप जिस भी कॉलम्स के आसपास अपना नया कॉलम चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे. After that, step 2 is select insert option in the table menu. Table menu के अंदर जो हमारा menu bar होते हैं सारे, उसमें table menu होगा और table menu के पास हमारा एक option होगा जिसका नाम है insert का. Insert पे आप क्लिक करेंगे, a sub menu will appear. एक sub menu यानी कि एक और दूसरा menu वहाँ पर show हो जाएगा आपके पास. Step 3 है select the option column to the left और टू द राइट एज पर यू नीड टू गेट द ब्लैक कॉलम इन द टेबल. आप जैसे मैंने अगर यहाँ पे सेलेक्ट करा है, इस कॉलम पे सेलेक्ट करा है, तो हमारे पास जब सब मेन्यू अपीयर हुआ तो वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा टू कॉलम्स टू द लेफ्ट एंड एक आएगा कॉलम टू द राइट. तो अगर आपको इस कॉलम के राइट साइड में चाहिए तो आप राइट वाला कॉलम पे क्लिक कर दोगे, राइट वाला ऑप्शन पे. अगर इस कॉलम में 2 और 3 के बीच में कोई कॉलम चाहिए आपको तो आप लेफ्ट कॉलम पे क्लिक कर दोगे, तो ये हमारा यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है टू इंसर्ट अ न्यू रो, यानी कि हम नया रो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको 1 2 3, तो हमें नया रो बनाना है. कैसे बनाएंगे, क्लिक इन द रो वेयर यू वांट टू ऐड अ ब्लैंक. सेम जैसे हमने कॉलम की बात करी कि हमें जिस भी रो के आसपास हमें नया रो चाहिए हम उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पे अपना जो हमारा कर्सर है उसको लेके जाएंगे. स्टेप 2 है क्लिक ऑन टेबल मेन्यू सेलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन टू गेट अ सब मेन्यू. सेम जैसे यहाँ पे स्टेप 2 का सेम वही चीज़ है कि टेबल मेन्यू को हम सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे
above and row below. As per you need to get a blank row in a table. अब हमने columns में क्या करा था? जब हमारे कॉलम verticals हैं, तो it means हमें कॉलम left या फिर right चाहिए. लेकिन अब हमारे यहाँ पे क्या है? Rows ऊपर नीचे हमारे 1, 2, 3 ऐसे आ रहे हैं. ऊपर से नीचे तक हम आ रहे हैं, नीचे से ऊपर तक हम जा रहे हैं. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? रो अबव एंड रो बिलो. यानी कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमने सेकंड वाले रो में क्लिक करा है, तो हमें वहाँ पर ऑप्शन क्लिक करना होगा कि हमें 1 और 2 के बीच में चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच में चाहिए. अगर हम अबव करते हैं तो इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में एक नया कलम आ जाएगा, जिससे हो जाएगा 1, 2, 3, तो वो 2 नंबर पर आ जाएगा, ये 3 नंबर. लेकिन अगर हमें 2 और 3 के बीच में चाहिए यहाँ पर, तो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, तो वो 2 रहेगा और जो नया बनेगा वो 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा. तो इस तरीके से आपके कॉलम्स एंड रोज एड अप हो सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर टेबल. कि आपने जो टेबल बना रखा है उसको डिलीट करे बिना ही हम उसमें क्या कर सकते हैं? नए रो और नए कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं. अब हम हमने एडिंग पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डिलीट, कि हम रो एंड कॉलम को कैसे डिलीट कर सकते हैं. स्टेप फर्स्ट है क्लिक इन द रोज और कॉलम दैट यू वांट टू डिलीट. इसमें अगर हम टेबल की बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज याद रखनी होगी, चाहे हम ऐड कर रहे हैं या चाहे हम डिलीट कर रहे हैं, हमें सबसे पहले वो चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी जहां पर हमें ऐड अप या फिर डिलीट करना है. तो यहाँ पर यही बोला गया है कि आपको वो रो या वो कॉलम सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है जो आप चाहते हो कि डिलीट हो जाए. स्टेप टू है क्लिक टेबल वैल्यू. टेबल वैल्यू पे क्लिक करेंगे सेम वैसे ही, और वहां पर हमने यहाँ पर क्या करा था, इंसर्ट ऑप्शन पे गए थे कि हमें इंसर्ट करना है. लेकिन अब हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे. अब सब वैल्यू भी अपीयर, एक नाम वैल्यू अपीयर हो जाएगा आपको सेम ऐसे ही जैसे इंसर्ट में अपीयर हुआ था. एंड स्टेप थर्ड इज सेलेक्ट द ऑप्शन रोज और कॉलम इन द सब मेन्यू टू रिमूव द अनवांटेड रो और कॉलम इन द टेबल. जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर अगर हमने एग्जांपल लिया, हमने इस वाले सेलेक्ट सेल को सेलेक्ट कर लिया, चेक कर लिया यहाँ पर, ठीक है. अब हमने डिलीट वाला ऑप्शन करा. अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि आप रोज या फिर कॉलम, आपको जो भी डिलीट करना है, रो डिलीट करना है या फिर कॉलम डिलीट करना है, आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो रो और कॉलम का मतलब क्या है? अगर हमने इसको सेलेक्ट करा है तो ये वाला कॉलम या फिर ये वाला कॉलम, जिसको भी हमने क्लिक करा है, या तो ये वाला कॉलम जो जिसपे हमारे से 2 नंबर कॉलम हो गया, या फिर जो हमारा इस पे क्लिक किया तो ये 3 नंबर रो हो गया. तो आप जिस पे भी क्लिक कर रखा है आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आपको क्या चीज डिलीट करनी है, रो डिलीट करना है या फिर कॉलम डिलीट करना है. तो एज पर यू नीड आप उसमें सेलेक्ट करेंगे रो या फिर कॉलम, तो आपका जो भी सेलेक्टेड होगा डाटा होगा वो आपका टेबल से डिलीट हो जाएगा. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रीसाइजिंग रो एंड कॉलम, कि हम कॉलम और रोज को रीसाइज, यानी कि छोटा बड़ा हम कैसे कर सकते हैं, उसकी विड्थ उसकी हाइट हम कैसे बढ़ा सकते हैं. तो इससे पहला है हमारा टू चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम. अब कॉलम हमारा इस तरीके से आप यहाँ पे दोबारा बन के दिखाऊंगा आपको. तो ये हमारा कॉलम है और ये हमारे रो है, ठीक है. तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें टू चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम. आपको पता है ये वाले कॉलम्स होते हैं 1, 2, 3 और ये रो होते हैं. तो इनकी जो आपको ये विड्थ दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमें इस विड्थ को, इसकी चौड़ाई को बड़ा करना है या फिर छोटा करना है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है. तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा इसका? पोजिशन द माउस पॉइंटर टू द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम हूज विड्थ इज टू बी चेंज. कि आप उसके राइट साइड में क्लिक करेंगे जो उसका बॉर्डर होता है. आप इसका अगर आप टेबल देखोगे तो यहाँ पर जो क्लिक आप जो राइट बॉर्डर है इस कॉलम के राइट, ये फर्स्ट का राइट ये हो गया, सेकंड का राइट ये हो गया, थर्ड का राइट ये हो गया, तो उसके राइट बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे जो भी आपको जिस भी कॉलम की विड्थ को चेंज करना है. स्टेप टू हो गया द माउस पॉइंटर चेंज टू डबल वर्टिकल लाइन विद द डबल हेडेड एरो. जो आपका माउस पॉइंटर था जो डबल वर्टिकल लाइन थी वो इस तरीके के एरो में, डबल हैंडेड एरो में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. स्टेप थर्ड इज नाउ होल्ड द लेफ्ट माउस बटन
and write the border to left or right as you as need to change the width of that column. तो आपको इस कॉलम के हिसाब से अपने माउस का जो जैसे ये माउस का जो हमारा लेफ्ट वाला बटन होता है उसको कलर लॉग होल्ड करके उसको दबाए हुए और उसको ड्रैग करना है कि आप अगर राइट साइड में ड्रैग करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड में ड्रैग करोगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक आता है टू चेंज द रो हाइट, कि हम रो की हाइट को कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है पोजीशन द माउस पॉइंटर एट द बॉटम बॉर्डर ऑफ द रो हूज हाइट हैज टू बी चेंज। अब हम रो की बात कर रहे हैं, जैसे हमें वहां पे राइट साइड में रखा था यहाँ पर हम बॉटम पे रखेंगे, ये इसका अपर हो गया, टॉप हो गया, ये इसका बॉटम हो गया। तो हमने बॉटम पे रखा जिसकी हमें रो की हाइट को चेंज करना है। स्टेप टू हो गया तो माउस पॉइंटर चेंज टू अ डबल हॉरिजॉन्टल लाइन विद डबल एरो। अब वहां पे जैसे वर्टिकल लाइन भी चेंज होगी थी डबल एरो में, तो यहाँ पे भी इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद स्टेप थ्री है, लास्ट स्टेप है हमारा इसका, होल्ड द लेफ्ट माउस बटन ऑन ड्रैग द बॉर्डर टू अप और डाउन एज नीड टू चेंज द हाइट ऑफ द सिलेक्टेड रो। तो अब आपको क्या करना है इसमें कि जब हमने वो बॉटम पे रख लिया तो जैसे हमने कॉलम के साथ टाइप में हमने लेफ्ट और राइट ड्रैग करा था, ऐसे ही लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करे हुए हमें जो हमारा जो माउस है उसको अप और डाउन में ड्रैग करना है। अगर हम अप करते हैं तो हमारा साइज छोटा हो जाएगा, अगर हम डाउन करते हैं नीचे करते हैं तो हमारा साइज इसका बड़ा हो जाएगा, यानी कि हाइट इसकी बढ़ जाएगी और अप करने पर छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो रो की हाइट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको आज ये सारा सिखाया है जिसमें हमने आज इसमें टाइप करना, हम कैसे टाइप करते हैं, इंसर्ट करना, डिलीट करना, रिसाइज करना, तो आपने ये सब चीज सीख लिया। आई होप सो आप ये सब समझ पाए हो ढंग से, और आज आपका होमवर्क यही है कि आपको इन सब चीजों को रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू।